अबुझमाड़ के हापाटोला में हुई नक्सली मुठभेड़ में बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीम ने 29 नक्सलियों को मार गिराया है। इस कार्रवाई के बाद बीएसएफ के डीआईजी ने इस ऑपरेशन की पूरी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि कांकेर की जनता को तोहफा है। डीआईजी आलोक सिंह ने कहा कि नई रणनीति का असर है जिससे 29 नक्सली मारे गए। उन्होंने ये भी कहा, नक्सलियों को चारों तरफ से घेर कर उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया गया और एक तरफ से आई सर्चिंग टीम ने नक्सलियों का काम तमाम कर दिया। बीएसएफ के डीआईजी ने कहा, खड़ी पहाड़ियों से ये पूरा ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने बताया कि 17 ऑटोमेटिक वेपन्स जब्त हुए हैं। बीएसएफ का ये काफी बड़ा इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन था और उसके जैसे हमारे जो 2 दिन से लगातार इंटेलिजेंस मिल रही थी और इसके अलावा पुलिस और बीएसएफ का कोऑर्डिनेशन, हम काफी दिन से हमारी कमांडो टीम और डीआरजी की टीम इस पर्टिकुलर इलाके में, ये कोटरी का जो ईस्टर्न साइड का इलाका है, यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ये नक्सल का अबुझमाड़ का इलाका हब माना जाता है, तो काफी दिन से पुलिस और बीएसएफ की कमांडो टीम की प्रैक्टिस कर रही थी और हमने अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए बदली और हमने हॉट परस्यूट और ड्राइव फॉर हंट का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन लिया और इसके अलावा जो फोर्स डिफेक्शन और मोबिलाइजेशन की डिफरेंट डायरेक्शन की ड्रिल अपनाई, तो ये नक्सल के लिए काफी सरप्राइजिंग थी और हमारा एम यही सरप्राइज अचीव करना था। और जो आप देख सकते हैं कि ये इलाका बहुत ही चैलेंजिंग है, यहाँ हाइट्स काफी स्टीप हैं और उनपे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है और इसीलिए नक्सल कभी सोच नहीं सकते थे कि वे आर एड्रेसिंग और उनको टारगेट कर रहे हैं हम ईस्टर्न साइड से, और यही सरप्राइज उनके लिए घातक हुआ और हम इस इलाके में ऑपरेट करते हुए और नक्सल को भारी तादाद में कैजुअल्टी की, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि डिविजनल कमेटी लेवल के शंकर राव और ललिता दोनों के दोनों कमांडर्स को हमने मारा है और इसके अलावा भारी तादाद में उनके ऑटोमेटिक्स, जो उनके कमांडर्स ही हैं वही ऑटोमेटिक लेके चलते हैं क्योंकि हथियारों और अमुनिशन की उनके पास काफी कमी है, तो इसमें काफी तादाद में हमने ऑटोमेटिक्स 17 के करीब अभी तक हमने रिसीव की हैं और अभी हमारा टारगेट है कि जो नक्सल इंजर्ड हैं उनके ऊपर भी हम लीड ऑपरेशन करें, तो जल्दी ही आपको और खबर मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से 29 नक्सलों को एट ए टाइम एक ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज करके, वो भी डिविजनल कमांडर लेवल के, ये पुलिस की तरफ से बीएसएफ की तरफ से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये तोहफा आज हम कांकेर की जनता को देना चाह रहे हैं।